वेलकम टू साइमस नो। तो साइंस हमें कई जगहों पर सरप्राइज कर देती है। साइंस के फैक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि हमें चंभित कर देते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी कुछ ऐसा ही है। सारी बातें छोड़ के पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके बाद उसके रीज़न पर जाएंगे कि ये कैसे हुआ। हमारे पास यहाँ पर एक हैवी सी चीज़ यहाँ पर लटकी हुई है एक धागे से, और एक और धागा जो है उसके नीचे यहाँ पे। ये देखते हैं अगर मैं इसको नीचे से खींचूंगा तो ये कहाँ से टूटेगा। दो एंड है इसके, एक यहाँ पे और एक ऊपर। दो पोर्शन है इसके धागे के, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये कौन से पोर्शन से टूटेगा पहले वो देखते हैं। अगर इसको खींचूं तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि ये ऊपर से टूटा है, इसके ऊपर वाला पोर्शन टूट गया है हमारे पास। लेकिन इसमें नई बात क्या है, मैं खींच रहा हूं तो टूटना तो था ही कहीं ना कहीं से। लेकिन एक बार इसको हम थोड़ा स्पीड में खींच के देखते हैं कि वो कहां से टूटेगा। तो अभी हमने देखा कि जो धागा है वो यहां बीच से ब्रेक हुआ था। अब इसको एक बार तेजी से खींच के देखते हैं, अगर मैं इसे झटके से खींचूंगा तो क्या होगा। जैसे मैंने इसे अपनी उंगली बांधा, इसको मैं थोड़ा स्पीड में खींचता हूँ तो हुआ क्या, अब ये जो चीज़ है ये इसके नीचे से टूट गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब दोनों ही केस में मैं उसको खींच रहा हूँ धागे को, सेम धागे को, लेकिन एक केस में तो ये ऊपर से टूट रहा है, दूसरे केस में ये नीचे से टूट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंट और देखना होगा हमें, इसको जानने के लिए, क्योंकि इसको समझने के लिए वो चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। देखते हैं वो क्या है। तो जैसे पानी की बोतल है मेरे पास में, अब इसको अगर मैं इस कपड़े के ऊपर रखूं और इस कपड़े को मैं तेज़ी से खींचूं अगर, तो हम सबको पता है कि ये बोतल वहीं पर रह जाएगा और ये कपड़ा है ये नीचे से इसके स्लिप हो जाएगा। इसको इनर्शिया कहा जाता है, हम सब ने इसको बचपन में 9th क्लास में भी से पढ़ा है, 11th में भी और आगे भी हर जगह पे न्यूटन्स के लॉ यूज़ होते हैं। पहला लॉ यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले वो देख लेते एक्सपेरिमेंट क्या है। ये बॉटल है मेरे पास में रखी है, ये कपड़ा है, अगर मैं इसको धीरे धीरे खींचूँ तो ये बॉटल के साथ में आएगा, लेकिन अगर इसमें झटके से खींचूँ तो ये बॉटल वहीं रहेगा जैसा कि अभी है। तो इसे कहते हैं इनर्शिया। एक और बार इसे किसी और चीज़ से देख लेते हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा रिस्की बनाते हैं। एक बुक है मेरे पास, उसके पास ऊपर बाइन क्लास है, ठीक है। अब देखते हैं इस कपड़े को अगर मैं खींचूंगा तो क्या ये गिरेगा या फिर वहीं पर रहेगा। पहले इसको देखते हैं, 3, 2, 1, थोड़ा बच गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके मास की वजह से ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। क्या सच में मास की वजह से या कोई और प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने भी कहा वो इनर्शिया है, तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। हमने सबने ये चीज़ पढ़ी है कि न्यूटन्स के जो तीन लॉ हैं उनमें से पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जो कि उसको उसी स्टेट में रहने के लिए मजबूर करती है, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया, और वही यहाँ पर काम कर रही है। मैंने इसके नीचे से इस कपड़े को खींचा लेकिन ये नहीं गिरा, इसके पीछे काम कर रही है इनर्शिया जो कि इसे उसी स्टेट में रहने के लिए मजबूर कर रही है। ये तुरंत, ठीक है, इसमें कोई सडन चेंज नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसे स्लो खींचता तो ये कपड़े के साथ जाती, लेकिन मैंने इसको झटके से खींचा तो सडन चेंज नहीं आने देता ये कोई। जैसे कि हम लोग बस में होते हैं, बस एकदम से रुकती है तो हम आगे की ओर जाते हैं, बस एकदम से स्टार्ट होती है तो हम थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं। उसी लिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक स्टेट में रहना चाहती है। जैसे कि ये जो वाइन ग्लास और बुक है ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसीलिए ये एकदम से मोशन में आना स्टार्ट नहीं हुआ, एकदम से मूव करना शुरू नहीं हुआ। ये तो बात थी इनर्शिया की।
अब बात करते हैं इसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट की कि उसके अंदर ऊपर वाला जो धागा था वो पहले क्यों टूटा और बाद वाले में नीचे वाला क्यों टूटा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जब मैं इसको स्पीड में खींच रहा हूँ तेज़ी से एक झटके से, तो झटके में क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है ये रेस्ट में रहना चाहती है, क्योंकि जैसा कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो इसके इनर्शिया की वजह से ये धागा जो है ये ऊपर से टूट जा रहा है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। लेकिन जब मैं इसको स्लो खींच रहा हूँ, स्लो खींचने पर क्या हो रहा है, एक नेट फोर्स इस पर पड़ रहा है, इसका जो वेट है इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड है, मैं भी इसको डाउनवर्ड को ही खींच रहा हूँ नीचे की तरफ। तो हो क्या रहा है, दोनों फोर्स मिलके ऊपर एक नेट फोर्स लगा रहे हैं जो कि इस धागे को ब्रेक कर दे रहा है। लेकिन जब मैं इसको झटके से खींच रहा हूँ उस टाइम पे इस बॉडी का इनर्शिया काम कर रहा है, क्योंकि वो एक सडन चेंज है, एकदम से मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, इनर्शिया इसको रेस्ट में ही रहना चाहता है, यहीं पर रखना चाहता है, इसीलिए इसको जब मैंने खींचा तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ऊपर से नहीं हुआ। तो यही था इसके पीछे का रीज़न। आप लोग भी घर में इस एक्सपेरिमेंट को करते रहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए और साइंस को एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।